हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी बिंदास है में। आज हम आपको लेके चलेंगे कोल्लू में, जहाँ पर गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है, वो भी नेचुरल तरीके से, ना कोई केमिकल ना कोई कलर, बिल्कुल प्राकृतिक गुड़ होगा। ये गुड़ हमने अपने घर के लिए बनवाया स्पेशली, तो हमने इसमें कोई भी केमिकल या कलर का यूज नहीं किया है। तो चलिए मेरे साथ कोल्लू में गन्ने का रस किस तरह से गुड़ में परिवर्तित होगा, आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे गन्ने के रस से गुड़ कैसे बनता है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये यहाँ गन्ना है, सबसे पहले इस गन्ने का रस निकाला जाता है और उसके बाद इसका गुड़ का प्रोसीजर शुरू होता है। तो देखिए, चले चलते हैं, देखते हैं कि गन्ने का रस कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखो, ये गन्ना है और ये देखिए, एक मशीन के द्वारा इस तरीके से ही गन्ने को इसमें डालते हैं और ये देखिए, यहाँ से ये इसका रस निकल रहा है। ये देखिए किस तरीके से घूम घूमती है, घूम घूम के ये गन्ने का जो रस है वो निकाला जा रहा है। और यहाँ इसका ये जो रस है ये यहाँ इसमें इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार गुड़ बनाया जाता है, कि गुड़ हम कैसे खाते हैं जो हमें इतना टेस्टी लगता है, उसके बनने का पूरा प्रोसीजर क्या है। ये देखिए, ये हमारा गन्ने का रस यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जिससे ये गन्ने का रस निकल रहा है, ये मशीन। ये देखिए, ये मशीन इंजन से चलाई जा रही है, इंजन के द्वारा तो चलाया जा रहा है। ये देखिए, एक व्यक्ति कैसे गन्ने इसमें डालता है और उसका रस निकलता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार गन्ने का रस निकाला जाता है। तो ये देखिए, गन्ने के रस निकलने के बाद ये जो हमारा गन्ने का चूरा है, इसको भी ये वेस्ट नहीं जाने देते, इसको भी यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए ये वहां से निकल रहा है ये गन्ने का रस। गन्ने के रस निकलने के बाद जो गन्ने का ये चूरा बच जाता है, इसको यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा करने के बाद ये देखिए, इस ट्रॉली में इसे डाल दिया जाता है और ट्रॉली में डालने के बाद इसे ऐसे सुखाया जाता है। तो ये देखिए किस तरह से इसे सुखाया जा रहा है। और जब ये सूख जाता है तो इसको भी ये वेस्ट नहीं फेंकते, इसको गुड़ बनाने में जब भट्टी में जो ईंधन चाहिए होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसको ये अच्छे से सुखा लेते हैं और सुखा के इस तरीके से एक ढेरी बना देते हैं। और इसको जब वो गुड़ बनाते हैं तो गुड़ में भट्टी के नीचे जो आग जलाई जाती है इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब हम गन्ने का रस देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो गन्ने का रस वहाँ से निकल रहा है, ये इस पाइप के द्वारा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। वहाँ से जो गन्ने का रस निकाल रहे हैं और उसकी जमीन के अंदर उन्होंने एक पाइप लगाया हुआ है, उस पाइप के द्वारा ये गन्ने का रस आ रहा है और ये गन्ने का रस यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा गन्ने का रस है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश गन्ने का रस, इस तरीके से इसको यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ इकट्ठा होने के बाद ये देखिए इकट्ठा हो गया है, इसके बाद यहाँ इन्होंने ये पाइप लगाया हुआ है, इस पाइप के द्वारा ये गन्ने का रस, चलिए दिखाती हूँ मैं इस पाइप के द्वारा गन्ने का रस कढ़ाई में कैसे जा रहा है। ये देखिए, गन्ने का रस इसमें इकट्ठा हो गया है। ये पाइप के द्वारा गन्ने में का जो रस वहाँ से चल के आ रहा है वो पाइप के द्वारा इस कढ़ाई में आता है, इसमें सारी गंदगी को इकट्ठा किया जाता है। इसके अंदर जो भी गंदगी है उसको निकाल के इस तरीके से ही लोग बांध देते हैं, इसमें से जो रस होगा वो निकल जाएगा और जो गंदगी है वो कपड़े में बंदी रह जाएगी। तो ये देखिए, ये गन्ने का रस इस तरीके से इस में पकाया जा रहा है। नीचे इसकी भट्टी होती है जिसमें आग जल रही है और उसके द्वारा ये गन्ने का रस पक रहा है। इसके बाद ये इसमें आता है। ये देखिए,
पहले उस भट्टी में जाता है, फिर उसके बाद इसमें डाला जाता है। ये खूब अच्छे से पकाया जा रहा है। गन्ने के रस का गुड़ बनाने का पूरी प्रक्रिया आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको पकाया जाता है। जब ये यहाँ, ये आपको बीच बीच में गंदगी दिखाई दे रही होगी ना, इस गंदगी को ये साफ कर देते हैं। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा तो ये गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और इसको इसकी सहायता से, जाली की सहायता से सारी गंदगी को बाहर निकाल देंगे। सारी गंदगी को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद ये देखिए ये इधर आ जाएगा। वहां से गन्ने का रस शुरू हुआ, पहले उस वाली कढ़ाई में, फिर इस भट्टी में आया और इसके बाद इस भट्टी में। ये देखिए तो ये दिख रहा है, ये अभी पूरा हमारा बनके तैयार नहीं हुआ है, ये प्रोसीजर है जो चल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम इस भट्टी में आग कैसे, जहाँ कहाँ से जलाते हैं। तो ये गुड़ हमारा तैयार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो आइए, तो ये देखिए आप, यहाँ पे इसके नीचे भट्टी बनी हुई है। इस भट्टी में ये मैंने आपको दिखाया था, ये भूसा वही है जो गन्ने के रस से उन्होंने निकाला था। ये गन्ने के छिलके हैं और ये कुछ गन्ने की पत्तियाँ हैं, इनके साथ साथ इनको जलाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से इनकी आग लग रही है और ये रस जो आग है ये भट्टी के नीचे जा रही है ताकि जो हमारा गुड़ है, जो गन्ने का रस है, वो गुड़ में परिवर्तित हो जाए। ये देखिए ये गुड़ जो हमें मार्केट में मिलता है कितनी मेहनत से बनता है, ये आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए ये ऐसे एक व्यक्ति यहाँ बैठा होता है पूरा दिन और इसमें बस ये जो पत्तियां हैं इनको आगे की ओर धकेलता रहता है ताकि जो आँच है वो अंदर तक जाए। ये देखिए हमें दिख रही है आँच कितनी तेज चल रही है उसके नीचे, तभी हमारा गुड़ पक के तैयार होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया इन पत्तियों में आग जल रही है, जितनी आग जलेगी उतना ही हमारा जो गन्ने का रस है वो गुड़ में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए साथ साथ में ये गन्ने के रस की जो पत्तियां हैं उनको भी डाल देते हैं। ये देखिए जो गन्ने का छिलका निकाला था इसको भी इन्होंने सुखा के रखा हुआ है। ये देखिए ये गन्ने का छिलका है जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से सुखाया हुआ है और इन पत्तियों के साथ इसको मिक्स करके जला दिया जाता है। ये देखिए, ये देखो इसके साथ इसे जला देते हैं। कितनी तेज आग आपको दिखाई दे रही होगी, ये आग जो है ये भट्टी नीचे बनाई गई है। तो चलिए हम अपने गुड़ को देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए जितनी वहां भट्टी में आग जल रही है उसी तरह से इसमें उबाल आ रहा है। ये देखिए इधर भी ये गन्ने के रस में उबाल आना शुरू हो चुका है और आप देख रहे होंगे गंदगी कैसे एक साइड इकट्ठा हो गई है। जो जितनी इसमें गंदगी थी वो साइड में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद इसे निकाल दिया जाता है। अच्छा उबाल आ रहा है, ये देखिए इसके बाद ये ऐसा हो जाता है। अभी भी हमारा ये गुड़ बनके तैयार नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसीजर चल रहा है। जब ये तैयार होगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख रहे होंगे ये भैया जो है गन्ने का रस भर रहे हैं। ये गन्ने का रस उबल चुका है अच्छे से, अब इस गन्ने की लोग खीर बनाएंगे। उबले हुए गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए गन्ने का रस ये उबला हुआ है, अभी आपके सामने वो भैया ने कढ़ाई में से निकाला है।
इसकी अब खीर बनेगी, इसकी वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए गन्ने का जो रस है वो गुड़ में चेंज होने लगा है। ये एकदम ऑर्गेनिक गुड़ बनाया जा रहा है, इसमें कोई कलर यूज नहीं किया जाएगा। ये देखिए इसका रंग भी अलग है, कितने अच्छे से पक चुका है और इसमें कोई भी कलर यूज नहीं किया गया है। जो इसका नेचुरल कलर है वही इसमें आएगा और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है ना। ये देखिए कितना बढ़िया कलर। मार्केट में जो हम गुड़ खाते हैं उसमें ज्यादातर लोग कलर यूज करते हैं, लेकिन ये हम ऑर्गेनिक बनवा रहे हैं कह के, तो हमने इसमें कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आपको दिख रहा है ना। ये देखिए किस तरीके से ये अब ये गुड़ बन के तैयार है। अब इसको इधर से निकाल के उधर चेंज किया जा रहा है। ये देखिए भट्टी में से इसको निकाला जा रहा है और चाक पे फैलाया जा रहा है। ये देखिए फिर जब हम अगला प्रोसेस जब तैयार करते हैं फिर वही यहाँ से इसको डाल दिया जाता है और फिर इसको गन्ने के रस को उसी तरह पकाया जाता है जैसे पहले वाला पकाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स वहाँ से निकालने के बाद इस गुड़ को इधर फैला दिया जाता है। ये अच्छे से फैल चुका है। अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसके इस तरीके के पीसेस निकाले जाते हैं। तो ये देखिए ये अभी थोड़ा ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद इसको फिर से मिक्स किया जाएगा और फिर इसकी पीसेस बना दिए जाएंगे। ये देखिए मार्केट में जो हम गुड़ खाते हैं तो उसमें कलर थोड़ा बहुत ये लोग डाल देते हैं रेड कलर लाने के लिए या ऑरेंज कलर डाल देते हैं, लेकिन ये अधूर हम अपने घर के लिए बनवा रहे हैं तो इसमें कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्पेशली इनको बोला गया है कि कलर के बिना ही बनाना है, जो नेचुरल कलर होगा वही बनाना है। तो ये देखिए ये बेहतरीन कलर। तो ये देखिए इसको मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करते हैं। ये है कोको पाउडर, हम गुड़ में इसे डलवा रहे हैं ताकि हमारे जो गुड़ है वो चॉकलेट फ्लेवर का हो जाए। तो हम इसको ये देखिए कोको पाउडर को हम अपने गुड़ में डलवा रहे हैं। ये देखिए ये इसमें चॉकलेट कोको पाउडर डाला जा रहा है, हमारा जो गुड़ है वो चॉकलेट फ्लेवर का हो जाएगा। ये देखिए कोको पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें डाला है कोको पाउडर, ये जो हमारा गुड़ है
अब इसमें इसको हम आधे गुड़ में इसको मिक्स करवाएंगे, आधा गुड़ हमारा चॉकलेट फ्लेवर का होगा और आधा गुड़ हमारा नॉर्मल गुड़ होगा। देखिए इसमें मिक्स किया जा रहा है। देखिए दो हिस्सों में बट चुका है, ये हमारा बन रहा है चॉकलेट दूध और ये बन रहा है नॉर्मल दूध। तो देखिए जो हमारा चॉकलेट फ्लेवर का गुड़ था वो बन के तैयार हो गया। तो किस तरह इसके पीसेस निकाले जा रहे हैं, तो देखा आपने किस तरीके से चॉकलेट गुड़ हमारा बनके तैयार हो गया। और इसे बच्चे बड़े शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें चॉकलेट का स्वाद आएगा बच्चों को, तो बच्चे खूब खुश होके खाएंगे। ये हमने स्पेशली केक ही बनवाया है भैया से, वो उधर भैया जो है वो सामने नॉर्मल बिना फ्लेवर वाला गुड़ बना रहे हैं और इधर हमारा चॉकलेट फ्लेवर का गुड़ चल रहा है। दोनों गुड़ हमारे एक साथ बनाए जा रहे हैं। देखिए अभी जो ये गुड़ है ये गरम है और इसको गरम गरम ही उतारा जाता है, ठंडा होने के बाद ये नहीं उतरेगा इसलिए इसको गरम गरम ही उतारा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसको पीसेस को उतार रहे हैं। अभी देखिए वहाँ पे नॉर्मल गुड़ बन रहा है हमारा, ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर। इसमें आप चाहें तो मूँगफली भी डलवा के बनवाते हैं आजकल, मूँगफली अलसी सौंफ इन सब चीज़ों को भी मिक्स करके बनाया जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत ही टेस्टी है गुड़, इसको मैं खा भी रही हूँ, सच में मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी बनाया। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मैंने अभी इसको टेस्ट भी किया है, बहुत ही चॉकलेट फ्लेवर, बच्चे तो खूब खुश होके खाएंगे। ये देखिए इतनी फटाफट इन्होंने पूरा उतार दिया है। ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर वाला गुड़ हमारा बनके एकदम रेडी है और नॉर्मल जो गुड़ है वो बनाया जा रहा है, अभी उतारा जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए। अगर आपको गुड़ बनाने की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।